सत श्री अकाल जी, मैं स्वागत सक्सेना पंजाबी खबरें देख रहे हैं। आप सब का स्वागत करते हैं। खबरें शुरुआत करांगे पर उस तो बलंगे जड़ हेडलाइंस से। श्रोमणी कमेटी के 100 साल स्थापना दिवस मौके गुरुद्वारा श्री मंजी साहिब दीवान हाल विखे सजाया जा रहा है मुख शताब्दी समागम। श्री अखंड पाठ साहिब जी के पाए गए भोग। श्रोमणी कमेटी के 100 साल स्थापना दिवस मौके अदालत चढ़दीकला के चेयरमैन सरदार जगजीत सिंह दर्दी ने श्री अकाल तख्त साहिब के जथेदार नाल की मुलाकात। सिखां नूं दरपेश आ रही समस्याओं बारे की विचार चर्चा। दिल्ली दहलाउण की साजिश नाकाम। वड्डी कार्रवाई करन दी ताक विच सन जैश मुहम्मद दे दो अतवादी, हथियारा समेत काबू। खेती बिलों खिलाफ किसानों का चल रहा धरना अज 55वें दिन विच दाखिल। किसानों वालों कारपोरेट घराणे ते केंद्र सरकार खिलाफ जम के नारेबाजी। खेती कानूनों खिलाफ संघर्ष ते केंद्र दी सख्ती। केंद्र सरकार का पंजाब विच रेलां चलाउण दा अजे कोई इरादा नहीं। हुण खबरां विस्थार नाल। श्रोमणी कमेटी वालों अपना 100 साल स्थापना दिवस उत्साह सहित मनाया जा रहा है। इस संबंधी श्री अकाल तख्त साहिब विखे श्री अखंड पाठ साहिब जी के भोग पाए गए हैं। इस मौके श्री हरिमंदर साहिब के हजूरी रागी भाई रविंदर सिंह जी के जथे वालों इलाही बाणी का शब्द कीर्तन गायन किया गया। इस दौरान श्रोमणी कमेटी के प्रधान भाई गोबिंद सिंह लौंगोवाल, श्रोमणी अकाली दल के प्रधान सुखबीर सिंह बादल, तख्त श्री पटना साहिब प्रबंधकी कमेटी के प्रधान अवतार सिंह हित, इस्त्री अकाली दल दिल्ली की प्रधान रणजीत कौर, सीनियर अकाली आगू बलविंदर सिंह भुंदड़, भाई रणजिंदर सिंह मेहता, वीरसा सिंह वलटोहा, भाई राम सिंह, भाई मनजीत सिंह, जथेदार कुलजार सिंह रणीके समेत होर पंथक शख्सियत हाजिर सन। भाई लौंगोवाल ने कहा कि इस उपरंत मुख शताब्दी समागम गुरद्वारा श्री मंजी साहिब दीवान हॉल विखे श्री दरबार साहिब विखे सजाया जा रहा है, जिस विच सिख पंथ दीआं उगियां धार्मिक ते नामवर शख्सियत संत महापुरख शिरकत कर रहे ने। श्रोमणी कमेटी को 100 साल हो गया बनिया, इसके वास्ते बहुत बड़ी कुर्बानियां सिंघां नूं देणियां पईआं और 500 सिंघ शहीद होया सी उदों ते तां जाके इह कमेटी आजाद होई। जदों दा 51 कानून बन गया उस तों बाद फिर जिहड़े कब्जे करन दी आ के सरकारां जां कोई होर ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਬਰੇ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਕਰਦੇ ਸੀ ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਬਣਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਉਹਨੂੰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ 100 ਸਾਲ ਉਹਦਾ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਇਹਦੇ ਰਖਵਾਲੀ ਕਰਦਾ ਆ, ਇਹਦੇ ਮਾਣ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਹਰ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀ ਉਹਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕੁੜੀ ਦਾ 100 ਸਾਲ ਬੜੀ ਮਤਲਬ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੰਗੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਇਆ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ, ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਦਾ, ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਰਿਕੇ ਸਾਰੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ਕਮੇਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਆਏ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਗੋਰੇ ਆਏ ਆਪਣਾ ਮੁਗਲ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੁਸ਼ਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਇਹ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਇਹਦਾ ਐਕਟ ਬਣਵਾਇਆ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਚੱਲੀ ਹੋਈ ਆ ਔਰ ਜਿਹਦੀ ਮਾਂ ਬਣਿਆ ਦਾ ਅੱਜ ਕਾਇਮ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮੁਬਾਰਕ ਵਧਾਈ ਹੈ ਭਾਈ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਇਆ 1 ਸਦੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਵੱਡੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਇਸ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਪਿੱਛੇ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਸੋਮਾ ਨੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ 100 ਸਾਲਾ ਸਥਾਪਨਾ ਦਿਵਸ ਉਤਸ਼ਾਹ ਸਹਿਤ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਅਦਾਰਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਰਦਾਰ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਰਦੀ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਾਈ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਮੁਖੀ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਧੂਮਾ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੁੰਦੜ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਰਦਾਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹੇ।
धन्यवाद दें। अगली खबर वल, दिल्ली पुलिस की स्पैशल सैल की टीम ने जैश ए मुहम्मद के दो अतवादियों को गिरफ्तार करके वड्डी सफलता हासिल की। स्पैशल सैल के एक सीनियर अधिकारी ने अज दसा है कि खुफिया जानकारी के आधार पर जाल बिछा के पुलिस ने दोवें अतवादियों इत्थे सराय काले खां स्थित मिलेनियम पार्क कोलों गिरफ्तार किया। इन्हों की पछाण अब्दुल लतीफ मीर 22 साल मुहम्मद अशरफ खटाना 20 साल के रूप में हुई है। दोवें जम्मू कश्मीर के रहने वाले ने उन्हां कोलों 2 पिस्तौल और 10 कारतूस बरामद किए गए हैं। पुलिस गिरफ्तार अतवादियों को पूछ पड़ताल कर रही है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज तो भाजपा संसद मैंबर रीता बहुगुणा जोशी की 6 साल पोती की अज मौत हो गई है। वह पटाके चलाते समय झुलस गई सी। अज सवेरे उसके हस्पताल विच इलाज दौरान मौत हुई है। रीता बहुगुणा जोशी प्रयागराज तो भाजपा संसद मैंबर ने उन्होंने पुत मयंक जोशी की 6 साल बच्ची दिवाली के दिन पटाका चलाते समय सड़ गई सी। उसनू हस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर ने दसाया कि उसका शरीर 60% सड़ चुक है। बच्ची की हालत वेखद हुए उसनू दिल्ली रैफर किया गया। बच्ची एयर एंबूलेंस राही दिल्ली के एम्स हस्पताल ले जाया गया। दिल्ली में इलाज दौरान अज बच्ची की मौत हुई है। मौत की खबर मिलते ही प्रयागराज स्थित घर में कोहराम मच गया। लोग संसद मैंबर के घर पहुंचने लगे ने। दिल्ली तो बच्ची की लाश भी उसके घर ले जाई जा रही है। दसनयोग है कि उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने पटाखे साड़न के बैन लगाया सी। किसान मजदूर संघर्ष कमेटी पंजाब की अगवाई हेठ किसान मजदूरों वालों जंडियाला गुरु नज़दीक रेलवे स्टेशन गैरी मंडी विखे लगाया धरना अज 55वें दिन में दाखिल है। किसान मजदूर संघर्ष कमेटी के आगू सुखविंदर सिंह सबरा की अगवाई हेठ धरना लगातार ही जारी है। इस दौरान किसानों वालों कारपोरेट घराणे के केंद्र सरकार खिलाफ जम के नारेबाजी की गई और किसान विरोधी कानूनों को रद्द करने की मांग भी की गई। केंद्र सरकार का पंजाब में रेलों चलाने का अजे कोई इरादा नहीं है, इसलिए रेलों से ब्रेक 21 नवंबर तक बढ़ा दी गई है। रेलवे ने यह कदम पंजाब सरकार के रेलों को सुरक्षा देने के बारे भरोसे के बावजूद चुकया। इस तो तय है कि केंद्र किसान संघर्ष प्रति कोई नरम नहीं हुई है। दस दें कि पंजाब के किसान खेतीबाड़ी कानूनों का विरोध कर रहे हैं। किसान रेलवे स्टेशनों से रेलवे ट्रैकों तो हट के हुण नेड़ले मैदानों में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इस कारण 24 सितंबर तो पंजाब में रेल आवाजाई बंद कर दी गई है। रेलवे मंत्रालय ने रेलवे शुरू करने लिए पंजाब सरकार के नुमाइंदियों से किसानों नाल मीटिंग भी की, पर विवाद का हल नहीं होया। रेलवे अधिकारियों का कहना है कि स्टेशन ते ट्रैक के नेड़े धरना खत्म होने तक रेल ऑपरेशन सुरक्षित नहीं। इस वेले 21 नवंबर तक गड्डियां रद्द कर दी गई ने। त्यौहारों दौरान बाजारों में हुई भीड़ नूं वेखदिआं पंजाब सरकार ने सावधानी के रूप में हुण अपने सारे सरकारी मुलाजमान अधिकारियों का COVID-19 टैसट कराने का फैसला किया। इस संबंध में पंजाब सरकार वालों सारे महकमियां दे मुखियां नूं जारी एक पत्र में आख्या गया है कि महारा अनुसार वायरस का खतरा हुण बरकरार है, इसलिए कोरोना वायरस के फैलाव की रोकथाम अत जरूरी है। सरकार वालों फैसला किया गया है कि जिला पद्धर से सरकारी दफ्तर में तैनात सारे मुलाजमान के अधिकारियों का लाजमी COVID-19 यकीनी किया जाए ता जो बीमारी फैलन तो रोकया जाए। इस संबंध में जिला पद्धर से सेहत महकमे संपर्क करते हुए सारे सरकारी मुलाजमान का COVID-19 टैसट तुरंत करवाया जाए। चंडीगढ़ घूमने वाले सैलानियों लिए चंगी खबर है क्योंकि कोरोना कारण कई महीनों तो बंद पिया रॉक गार्डन दोबारा खुलन जा रहा है। इस संबंधी प्रशासक VP सिंह बदनौर ने समीक्षा बैठक की है, जिस विच तालाबंदी दौरान बंद पे रॉक गार्डन नूं फिर तो खोलने का फैसला किया गया। बैठक में स्टेट म्यूजियम और टैगोर थिएटर नूं भी बुधवार तो खोलने की आग्ञा दे दी गई है। चंडीगढ़ प्रशासन ने शहर में बिना पछाण पत्र के किसी भी व्यक्ति ने फौज पुलिस पैरा मिलिट्री फोर्स न संबंधित किसी भी समान की विक्री से रोक लगाई है। DC मनदीप सिंह बराड़ ने इस संबंधी हुक्म जारी किए ने। यह हुक्म बुधवार तो लैके 16 जनवरी 2021 तक लागू रहेंगे।
ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਅਤਵਾਦੀ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਪੁਲਿਸ ਪੈਰਾਮਿਲਟਰੀ ਫੋਰਸ ਦੀ ਵਰਦੀ ਸਟਿਕਰ ਲੋਗੋ ਝੰਡੇ ਆਦਿ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਅਤਵਾਦੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ 60 ਦਿਨ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੇ देश में कोरोना वायरस के मामलों की गिनती लगातार घट रही है पर कुछ सूबों में बढ़ते मामलों ने केंद्रीय सेहत मंत्रालय की चिंताएं बढ़ा रहे हैं। इस विचाले केंद्रीय सेहत मंत्रालय वालों आज जारी किए गए आंकड़ों मुताबक देश में पिछले 24 घंटे दौरान कोरोना के मामलों में कुछ गिरावट दर्ज की गई है। सेहत मंत्रालय वालों जारी आंकड़ों मुताबक देश में बीते 24 घंटे दौरान कोरोना के 29,163 नवे मामले सामने आए हैं। 449 लोगों की मौत हुई है। इतने गौर करने वाली यह भी गल है कि भारत में पिछले करीब 4 महीनों तो बाद पहली बार एक दिन में सामने आने वाले कोरोना के मामले की गिनती 30,000 तो थले आई है। इस दुआ गया धन्यवाद।